भारत में इन दिनों आईपीएल 2024 खेला जा रहा है। इसी बीच एक नई लीग की तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में दर्शकों का रोमांच और बढ़ने लगा है। दरअसल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने उत्तराखंड प्रीमियर लीग में फ्रेंचाइजी हासिल करने के इच्छुक व्यक्तियों और व्यवसाय से आवेदन मांगे हैं। इसके लिए रुचि पत्र खोलने की घोषणा कर दी गई है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से सीएयू ने उत्तराखंड के भीतर क्रिकेट के विकास के लिए सहयोग करने के लिए व्यावसायिक संस्थाओं और व्यक्तिगत निवेशकों को इनवाइट किया है। टूर्नामेंट में 6 पुरुष और 3 महिला टीम शामिल होंगी। इसमें केवल वे लोग शामिल हो सकते हैं जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। उत्तराखंड प्रीमियर लीग में फ्रेंचाइजी मालिक स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने और पूरे उत्तराखंड में क्रिकेट को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इसमें शामिल सभी स्टॉक होल्डर को शीर्ष स्तर का अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से सीईओ ने इन्वेंट मैनेजमेंट फर्म एस्पार्क स्पोर्ट्स के साथ साझेदारी की है। उत्तराखंड प्रीमियर लीग के दूसरे वर्जन के लिए सीईओ और एस्पार्क स्पोर्ट्स के बीच एक समझौता ज्ञापन को फॉर्मल रूप दिया गया है। सीईओ सचिव महिम वर्मा ने यूपीएल के दूसरे फॉर्मल पर अपने विचार शेयर किए और सीईओ द्वारा अपनी फ्रेंचाइजी आधारित T20 लीग शुरू करने पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह लीग क्रिकेटरों के साथ साथ दर्शकों के लिए भी काफी रोमांच पैदा करेंगी। ऐसे क्रिकेट न्यूज से अपडेट रहने के लिए बाबा क्रिकेट न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।